शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सच ये है कि आपका क्लाइंट बहुत पैसे वाला है, जो आप जैसा बड़ा वकील हायर कर सकता है, गवाहें खरीद लेता है, सबूत मिटा सकता है, और सच ये है कि आपने इसी बात का फायदा उठाया। तुम अच्छा आगे बढ़ रहे हो। और सच ये है कि इस पाप और नाइंसाफी के जिम्मेदार हम वकील हैं। तुम आओगे, तुम, मैं नहीं। अगर इस लड़ाई में तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? यही तो मैं कहना चाहता हूँ सर, कि क्या अदालत दो वकीलों के बीच मुकाबले का, उनके दांव पे दिखाने का अखाड़ा भरे और कुछ नहीं है? हमने एक काला कोट पहनते वक्त कसम खाई थी सर कि हम सच का साथ देंगे, लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। इंसाफ दिलाना, इंसाफ करना अदालत का काम है, मेरा नहीं। मैं वकील हूँ, वकालत करता हूँ, और अदालत ने इंसाफ किया। इस अदालत से बड़ी एक और अदालत है सर, जो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, और वो है इंसान का अपना जमीर। और एक दिन आपको भी इस अदालत के सामने पेश होना है। ये सब किताबी बातें हैं, जिंदगी में इधर कोई मायने नहीं। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं, कामयाबी, और जो कामयाब है वही सही है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू। क्या हुआ समीर जी? नाइस नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड वर्क तुषार, ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। सर अगला सीन देख लेते, आपने उसमें बहुत अच्छा काम किया है। अरे मैं तो ठीक हूँ, तुषार ने क्या काम किया है? मार्क माई वर्ड्स, इस फिल्म से तुम निकल जाओगे। थैंक यू अगेन सर, बाय बाय सर। ओके बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर। वेरी गुड फिल्म, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। एक बाहर आनंद बाबू अभी भी बैठे हैं। अभी तक भगाया नहीं तुमने उन्हें, अब कोई काम ठीक से होता नहीं तुमसे। और सर अच्छी लगी ना फिल्म? अच्छी है, बहुत अच्छी है। तुषार का रोल तो बहुत अच्छा है, छाया हुआ पूरी पिक्चर में। आपने अपनी अगली पिक्चर का हीरो खड़ा कर दिया। पर कैसी बातें कर रहे हैं आप सर, हमारी अगली फिल्म में तो आप काम कर रहे हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे भी ले लिए हैं, अनाउंसमेंट भी कर दिया सर। तुषार अच्छा लड़का है, अच्छा काम करता है, आप अपनी अगली पिक्चर उसी के साथ बनाइए, क्यों ना रहे? अब उसी के साथ पिक्चर बनाइए आप। चलता हूँ। मैं बर्बाद हो जाऊंगा अगर आपने मेरी फिल्म में काम नहीं किया। इशारा समझो, छोकरे का रोल काटो नहीं तो खुद कट जाओगे। समझ गया, काट दिया। ऐसा कैसे काट सकते हैं सर, स्क्रिप्ट के हिसाब से तो। अरे स्क्रिप्ट गई ऐसी तैसी में, और मेरी डायरेक्शन का क्या? अरे डायरेक्शन गया कदैया के उसमें, अब आप वही करेंगे जो कि मैं कहूंगा। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, अब आप वही करेंगे जो हीरो कहेगा। बाबा समीर जी। समीर बेटे। अरे दादा आप कब आए? यही कुछ एक डेढ़ घंटा हुआ। एक डेढ़ घंटा हो गया जिसने? नारायण तुमने मुझे बताया नहीं आनंद बाबू आए। अरे सॉरी, वो आप ना। शट अप, जानते हो ये कौन है? इतने सीनियर डायरेक्टर है, कितने लोगों को इंडस्ट्री में खड़ा किया इन्होंने, और तुमने इन्हें ही बार खड़ा कर दिया, बड़ी फूल। कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ आराम ही कर रहा था बैठा हुआ। ये मेरी पोती है नंदिनी, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे साथ चली आई। दादा आपने मुझे बुला लिया होता, हुक्म कीजिए। एक साल पहले मैंने एक स्क्रिप्ट दिया था, पढ़ा होगा आपने शायद। हाँ दादा, हाँ हाँ। मेरी 20 साल की तपस्या है, उस पर बेस करके मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। इट बी वेरी गुड फिल्म, यू विल बी प्राउड ऑफ इट। मेरी दो पोतियां हैं, जाते जाते मैं इनके लिए कुछ कर जाना चाहता हूँ। दादा कब शुरू करना चाहते? जब आप कहें। नारायण सर 1.5 साल तक तो। चुप रहो। जनवरी फरवरी मार्च ठीक है आपके लिए? हाँ, स्टार्ट टू फिनिश। मैंने कहा था ना जल्दी करनी पड़ेगी। आई वर्क वेरी हार्ड, आई गेट द बेस्ट ऑफ द यूनिट, अच्छे से लोग इकट्ठे करके, अच्छे से राइटर इकट्ठे करके, अच्छा म्यूजिक लेकर ये पिक्चर बनाऊंगा। इट बी द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर मेड, मेबी माय लास्ट फिल्म। अरे दादा आप ये सब छोड़िए और एक्शन बोलिए। एक्शन। नहीं है सर, करीना ने कहा है कि आधे घंटे में चली जाएगी वो। जानता हूँ, जानता हूँ। 3 महीने तक नहीं आएगी सर। अरे मैं 6 महीने से जानता हूँ, लेकिन वो डिशम डिशम की औलाद वहाँ से हटे तो मैं। समीर जी हटेंगे फिर मैं बात करता हूँ, जाओ तुम जाओ। क्या बात है सर जी? नहीं। चोपड़ा साहब जस सर। हेलो सर, थैंक यू सर। नहीं सर, अरे सर पैसे जो आप दें, डेट जो आप लें, जैन फेब मार्च डन सर। ठीक है सर मैं आता हूँ। ओके, जैन फेब मार्च चोपड़ा साहब के साथ शूटिंग करेंगे तो सर जी हमने आनंद बाबू को डेट दे दिया, उनकी शूटिंग का क्या हुआ? तुमने सीरियसली उनको डेट दी? अरे सर जी आप मतलब इतना रियल एक्टिंग करते हैं ना, मैं भी धोखा खा जाता हूँ। आप ही आगे बता दीजिए कि अब आनंद बाबू आएंगे तो क्या बोलेंगे उनको? तो 6 महीने बाद की डेट दे देना। 6 महीने बाद आएंगे तो? तो उसके 6 महीने बाद की डेट दे देना। वेरी गुड, वेरी गुड। हम डेट आगे बढ़ाते जाएंगे, एक दिन आनंद बाबू खुद ही बढ़ जाएंगे।
सानिया, सानिया मैडम आई हुई है, वैन में बिठा दिया ऑडिशन। डायरेक्टर से बोलो मैं थोड़ी देर जी मैं कर दूंगा, देख लो उसे दस मिनट लगेगा जी। कुर्सी दो इनको, कुर्सी दो इनको। व्हाट आई एम सेइंग इज कि उसका जो पूरा जॉब जिस तरीके से हम लोग करने जा रहे हैं सर, आप बात करोगे ना मेरे बारे में? ए, ये क्या टाइम पास चल रहा है? मैं तवायफ हूँ, एक घंटे से शॉट लगा के वहां पर मुजरा कर रहा हूँ और आई नहीं रहे आप। दस मिनट का क्या 10 मिनट? अरे प्रोड्यूसर बेचारा इंटरेस्ट भर भर के फिल्म से इंटरेस्ट गवा चुका है। अरे अगर हीरोइन चली गई 3 महीने तक वापस नहीं आएगी सर। हीरोइन चली गई। अरे 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 बर्फ ला, बर्फ ला, मध्य में बर्फ लगाना। फिर वही हो गया, बर्फ ला नहीं तो बर्फ पे लिटाना पड़ेगा। हीरोइन चली गई। हाय समीर। अरे श्रीवास्तव जी कब आए? 4 घंटे से बैठा हूँ। No, I don't want to do it. सर आज का डेडलाइन नहीं यार। कॉस्ट्यूम सर? आप मेरी स्क्रिप्ट सुन लेते तो? नहीं, इनका स्क्रिप्ट रख लो। सर लेकिन हाय संजय, टेल मी सर स्क्रिप्ट। सुनो भाई, मेरा नया एड, घिसता हूँ हर सुबह खचाखच खचाखच, हंसता हूँ सारा दिन चकाचक चकाचक, भालू छाप काला दंत मंजन मेरा फेवरेट। हंसते क्या हो यार? जिंदगी में कोई दंत मंजन इस्तेमाल किया है समीर? तुम्हें क्या लगता है स्टार्स जो प्रोडक्ट एंडोर्स करते हैं उसे यूज भी करते हैं? उस स्टार ने तो वो तेल सूंघा भी नहीं होगा जिसे वो बेचता है। क्या ठंडा क्या कूल। साहब, बाबा और मैडम आपका इंतजार करके चले गए, आंसरिंग मशीन में उनका मैसेज है। रोहित को बड़ी उम्मीद थी कि तुम उसके स्कूल फंक्शन में साथ आओगे। इंतजार करता रहा, पहली बार स्टेज पर जा रहा है, वक्त मिले तो जरूर फोन कर लेना। हेलो, हाँ रोहित बेटा, सॉरी बेटा मैं लेट हो गया। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई तुमने, पापा को बिल्कुल सुपरमैन बना दिया। हाँ बेटा अच्छा परफॉर्मेंस देना। ओके माय सुपर बॉय, लव यू।